अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ मौजूद हैं सर जुनेद खान, जो के डायरेक्टर हैं आदम जी आयशा मंजिल कैंपस के, और बहुत इनका भी जो है ना वो वास्ट एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग के टीचर होने का और जनरली टीचिंग का, कॉमर्स की टीचिंग का। जी सर, मैं चाहूँगा कि आप खुद भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं एजुकेशन और एक्सपीरियंस इन टीचिंग और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके। वालेकुम सलाम उमर, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और जजाक अल्लाह कि आपने जो है वो मुझे सेशन के लिए लाइव लिया। बेसिकली ये जर्नी स्टार्ट हुई थी तकरीबन 20 साल पहले, तकरीबन 2000 में जो है वो मैंने टीचिंग अपनी स्टार्ट की थी, प्रोफेशनल टीचिंग, ठीक है। और तकरीबन 2 डेकेड्स हो गई हैं, 20 साल गुजर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ने जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ों को बेहतर से बेहतरी की तरफ किया है। और जितने भी लोग मिले, जितने भी प्रोफेशनल्स के साथ काम किया, उनसे बहुत सीखा। और राइट नाउ अभी 2 इदारों से एसोसिएट हूँ। मॉर्निंग में जो है वो दी एकेडमी एजुकेशनल नेटवर्क, जो इकरा यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, उसमें एज एकेडमिक हेड की पोस्ट पे हूँ। और सेकेंड हाफ में जो आदम जी कोचिंग सेंटर, जो कि लार्जेस्ट कोचिंग नेटवर्क इन कराची है, उसमें डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ। उसमें ये हुआ उमेर के जब टीचिंग कैरियर का स्टार्ट किया 2000 में, तो आदम जी कोचिंग सेंटर ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से पढ़ाना शुरू किया। उनके चेयरमैन जो हैं कामरान रसूल कादरी साहब, उन्होंने बहुत ट्रस्ट किया, बहुत प्यार दिया, बहुत सिखाया, और उनकी ये डायनेमिक गाइडेंस में विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर चीज़ें हम लर्न करते रहे और सीखते रहे। और फिर ये फैमिली, आदम जी फैमिली जो है वो एक्सटेंड होती गई, और इस वक्त कराची में अलहमदिल्ला 32 कैंपसेज जो हैं वो आदम जी कोचिंग सेंटर के ओवरऑल ऑपरेट कर रहे हैं। तो उस हवाले से 20 साल में मुख्तलिफ टीचर्स से, मुख्तलिफ स्टूडेंट से और मुख्तलिफ पेरेंट्स से इंटरेक्शन रहा। उनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको क्या मसाइल होते हैं, वो किस तरह से चीज़ें चाहते हैं, अडेप्टेबिलिटी कैसी है, मॉडर्नाइजेशन कैसी हो रही है, इन सारी चीज़ों पे कोशिश की काम करने की। और काफ़ी हद तक अल्लाह ताला ने इसमें सीखने का और लोगों को सिखाने का मौका फराहम किया। माशाल्लाह। अच्छा सर, अब मुझे बताएं कि अभी करंटली जो ये COVID-19 आया है, कोरोना वायरस, और इसकी वजह से सब लॉकडाउन हुआ, सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर पे इसका असर पड़ा, तो अब आप क्या देखते हैं? जैसे आज हमारा टॉपिक भी है कि एजुकेशन किस तरफ जा रही है, और क्योंकि आप यानी आप दोनों साइड पर हैं, वरना उमूमन मैंने देखा है जो टीचर्स होते हैं वो या तो इंटरमीडिएट साइड पे होते हैं और वो कैम्ब्रिज साइड को नहीं जानते, ओ लेवल्स ए लेवल्स को, या जो कैम्ब्रिज साइड के टीचर्स होते हैं वो फिर टोटली कैम्ब्रिज साइड को देख रहे होते हैं, वो इंटरमीडिएट छोड़ देते हैं। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो अभी तक आप दोनों को पैरेलल लेकर चल रहे हैं, तो आप सुबह में दी एकेडमी में कैम्ब्रिज सिस्टम को देख रहे होते हैं और शाम में आप इंटरमीडिएट को भी देख रहे होते हैं, तो बताएं दोनों इन पे क्या इम्पेक्ट आने वाला है जनाब। देखें उमेर, जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था और जनवरी में जो लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं और ऑनलाइन चीज़ों को देख रहे होते हैं, उनको ये आइडिया हो रहा था कि जनवरी में जो मुख्तलिफ कंट्रीज में ये पेंडेमिक स्टार्ट हो गया था, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये नज़र आ रहा था कि ये पेंडेमिक जो है वो स्प्रेड होगा, ये एक इंटरनेशनल पेंडेमिक था। तो उस हवाले से जो है बहुत सारे लोगों ने, जो मेरे जानने वालों में भी मौजूद हैं और मैं खुद भी मौजूद हूँ, हम लोगों ने फरवरी के मिड में ये प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी कि अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान में ये पेंडेमिक आता है। और आपको पता है कि इंटरनेशनली अगर आपने स्टडी की हो या अगर आप इसको देखो, तो इस तरह का जब भी पेंडेमिक आता है तो उसका बहुत मेजर इफेक्ट पड़ता है एजुकेशन सेक्टर पे, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का, जो सोशल डिस्टेंसिंग के मामलात हैं, वो बहुत मुश्किल होता है एजुकेशन सेक्टर में उनको उस तरह से एप्लीकेबल करना। तो आपने देखा होगा सबसे पहले अगर हम सिंध की बात करें, तो सबसे पहले इमीडिएट बेसिस पे सिंध गवर्नमेंट ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को लॉकडाउन यानी बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था कि फौरी तौर पर आप इसको इमीडिएटली बंद कर दें, क्योंकि वहां पे आपको पता है एक तो बच्चे होते हैं, बहुत बड़ी तादाद होती है, टीचर्स होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम के लिए बच्चे आते हैं और उनका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो मैं वापस आऊंगा इस तरफ कि फरवरी के मिड में हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया था कि अगर अल्लाह ना करे यहाँ पे चीजें बंद होती हैं तो हम स्टडीज को कैसे जो है वो परसू करवा सकते हैं। अब देखें, आपने बात की कैम्ब्रिज सिस्टम की और आपने बात की इंटरमीडिएट की, बेसिकली है तो दोनों ही उमेर एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, सही बच्चे दोनों में ही पढ़ते हैं।
और आपको ये बात मालूम है कि इंटरनेशनली ये जो एक टर्म हमारे यहाँ कराची में दो सिंध में और पाकिस्तान में 2 महीने से बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है, जिसको हम कह रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन स्टडीज। तो ये सही पाकिस्तान में तो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, इतने सही बड़े स्केल पे। लेकिन अगर इंटरनेशनली आप देखें तो ये जो डिस्टेंस लर्निंग है ये बहुत पहले इंट्रोड्यूस की जा चुकी है, और इसके मुख्तलिफ किस्म के इंटरफेसेस बन चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इसका एक भरपूर इंटरफेस दिया है, गूगल ने इसका भरपूर इंटरफेस दिया है, उसके बाद जो लोकल मकामी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं उन्होंने भी आपकी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इस पे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आपको दिए हैं, कस्टमाइज इंटरफेस दिए हैं कि आप बच्चों को ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकते हैं। अब वापस इस तरफ आएंगे कि जब ये लॉकडाउन फेब्रुअरी के आखिरी वीक में हुआ तो कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा थी इस पेंडेमिक की, कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग कम थी, कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग बाद में जाके डेवलप हुई कि ये मामला जो है वो कैसे हो रहे हैं। अब हुआ ये कि जब ये हमारे पास एजुकेशन सेक्टर को बंद कर दिया गया तो फौरी तौर पे देखें बेहतर ये होता है कि आप चीजों का डिसीजन टाइमली लें। अडेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अडेप्टेबिलिटी नहीं करेंगे और अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम लॉस करेंगे, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में कि चीजें डिले की जाती हैं, लेट हो जाती हैं, लोग कहते हैं यार अभी वेट कर लो, अभी देख लो, ठीक है ना। तो मैं अगर आपसे अपनी बात करूंगा तो हमने अपने स्कूल में भी और हमने अपने कोचिंग सेंटर में भी ये जो ऑनलाइन स्टडीज का मॉड्यूल था ये इमिडिएटली, यानी ये जो एजुकेशन सेक्टर लॉकडाउन हुआ था उसके एक हफ्ते बाद ही हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था। बिकॉज सही आपको पता है कि कैम्ब्रिज का हाई टाइम चल रहा था और इंटरमीडिएट का भी हाई टाइम चल रहा था, क्योंकि पेपर्स उसमें होने वाले थे। तो अब हमें बिल्कुल ये बात तो बहुत बाद में जाके पता चली कैम्ब्रिज के हवाले से कि कैम्ब्रिज पेपर नहीं लेगा। और अभी आप देखें कि अगर आप पाकिस्तान में देखें तो अभी क्लैरिटी नहीं हो रही है। फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि जी पेपर नहीं होगा, हम प्रमोट कर देंगे। सिंध गवर्नमेंट अपोज कर रही है कि जो है हम पेपर लेंगे। तो हमें इसमें ये देखना पड़ेगा कि सिंध गवर्नमेंट क्या करती है। वो अभी खैर आगे डिसीजंस उनके आ जाएंगे। अब लॉजिकली आपको मैं ये बताऊं कि जब हमें ये बात नहीं मालूम थी कि कैम्ब्रिज पेपर लेगा या नहीं लेगा तो हमारे बच्चों का हाई टाइम था और हमें उनकी प्रिपरेशन करानी थी, और हमारे पास तकरीबन 1.5 मंथ ही लेफ्ट था। तो उस 1.5 मंथ में हमने जो है वो फौरी तौर पे ऑनलाइन मॉड्यूल डेवलप किए और बच्चों को उसकी ट्रेनिंग दी, पेरेंट्स को लाइनअप किया, टीचर्स को लाइनअप किया, उनको सिखाया, और विद इन अ वीक हमने वो पूरा सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद कोचिंग सेंटर की तरफ अगर आप आए तो वहां पे भी हमने यही काम किया कि हमने ये पूरा सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया। और इसमें जरूरी बात ये थी कि अपने बच्चों को, पेरेंट्स को और अपने कोलीग्स को और दूसरे टीचर्स को ट्रेन करना कि ये मैकेनिज्म काम कैसे करेगा। इस मैकेनिज्म फिजिकल एजुकेशन अगर नहीं हो रही है, जैसे अभी मैं और आप बैठे हुए भी तो ऑनलाइन ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज वॉट वी कॉल्ड ऑनलाइन, ठीक है। अभी आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं और हम लोगों को ये चीज बता रहे हैं, तो दिस इज वॉट वी कॉल्ड द ऑनलाइन सिस्टम। सही ठीक है। लेकिन सर मतलब मैं अपना सवाल दोबारा रिपीट करूंगा, उससे तो एक एक चीज ऐड ऑन करके कि जब हम बात करते हैं, अच्छा पाकिस्तान में चूंकि ये दोहरा जो तालीमी निज़ाम है वो हमारे सामने, और अगर आप कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स के सामने जाएं या उनके टीचर्स से बात करते हैं तो वो समझते हैं कि इंटरमीडिएट वाले इंतहाई जो है ना वो समझें कि बिल्कुल ही गए गुजरे स्टूडेंट्स को भी। और अच्छा, और इसमें मैं मानता हूँ कहीं चले कुछ सच्चा हकीकत भी इसमें होगी कि हमारे मैट्रिक सिस्टम में वैसे बच्चों की डेवलपमेंट नहीं होती आईटी को लेकर, लैंग्वेज को लेकर या सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को लेकर। तो कैम्ब्रिज के बच्चे को तो समझाना आसान है क्योंकि अगर वो इतनी फीस अफोर्ड कर रहा है तो इसका मतलब उसको सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ों की एक्सेस भी होगी और समाओ उसको नॉलेज भी होगी। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन आदम जी, जब आपने टीचर्स को और बच्चों को इस पे लाने की कोशिश की तो एक तो रिस्पॉन्स क्या आया और रिस्पॉन्स आने के बाद फिर वो ट्रेनिंग में जो है ना वो कितना टाइम लगा, ये सवाल है सर। देखिए इसमें आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि कैम्ब्रिज सिस्टम में और जो हमारा लोकल इंटरमीडिएट सिस्टम है उसमें डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट मौजूद है, और लोग ये समझते हैं कि जो हमारा कैम्ब्रिज सिस्टम का बच्चा है वो सुपीरियर है एज कम्पेयर टू हमारा इंटरमीडिएट का या हमारा मैट्रिक सिस्टम का बच्चा। तो ये एक अलमिया है सही हमारे यहाँ कि जो हमारा लोकल सिस्टम है उसको जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है एक इंटरनेशनल सिस्टम से, ठीक है। सवाल की तरफ आपके आऊंगा, जो आपने पूछा कि कैम्ब्रिज के जो बच्चे हैं उनको इजीली वो इंटरफेस समझ में आ गया होगा या उनके टीचर्स को इजीली वो इंटरफेस समझ में आ गया होगा। देखें इसमें दो बातें हैं जरूरी, वो ये है कि
ये जो पूरी डिस्टेंस लर्निंग है या ये जो ऑनलाइन लर्निंग है, इसमें जरूरी नहीं है उमेर कि आपके पास घर पे कोई कंप्यूटर होना चाहिए या आपके पास कोई लैपटॉप होना चाहिए। आप जानते हैं कि इस वक्त 99.99% लोगों को अगर मैं देखूं, उसमें बच्चे हों या पेरेंट्स हों, तो उनके पास एक नॉर्मल सा एवरेज सा स्मार्टफोन जरूरी होता है, जरूर होता है, सबके पास मौजूद है, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन स्ट्रक्चर था, ये जो ऑनलाइन मॉड्यूल था, इसकी दोनों डायनेमिक्स थी। आप इसको डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर भी ऑपरेट कर सकते थे, और आप इसको अपने एंड्रॉयड फोन पे या अपने आईफोन्स वगैरह पे, स्मार्टफोन्स पे भी कर सकते थे। तो जब हम आदम जी में आए और हमने बच्चों से और पेरेंट्स से कोऑर्डिनेशन करी, तो सबसे पहली क्यूरी जो हमारे पास आई उमेर, वो यही थी कि सर हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है घर में, हमारे पास तो सही कंप्यूटर नहीं है घर में, या हमारे पास तो इंटरनेट नहीं है घर में। तो मुझे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम जरूर हुआ, लेकिन ऑनेस्टली आप बिलीव करें कि पेरेंट्स ने और बच्चों ने मुझे उसमें सपोर्ट किया। मैंने उनको ये बात समझाई, जब जब हमने ये फीडबैक लिया अपने इदारे के थ्रू तमाम स्टूडेंट से और पेरेंट्स से कि भाई आपके पास घर में कोई एक स्मार्टफोन तो मौजूद है ना, तो उन्होंने कहा हाँ स्मार्टफोन है। तो एक पहला प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गया जो कि कंप्यूटर नहीं होने का था। दूसरा मसला आता है इंटरनेट की कनेक्टिविटी, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस लर्निंग के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी एक एसेंशियल एलिमेंट है, फिर उसी के थ्रू टीचर और स्टूडेंट कनेक्ट करेंगे और क्लास ऑपरेट होगी। तो दूसरा इशू हमारे सही लिए ये आया कि हमें पेरेंट्स ने और स्टूडेंट ने ये कहा कि सर हमारे पास फोन तो है लेकिन हमारे घर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, या सही इंटरनेट कनेक्शन के इश्यूज हैं हमें। तो उसमें हमने उनको ये समझाया कि देखें इस पेंडेमिक की वजह से आप लोग लॉकडाउन हो गए हैं और आप लोग घर में बैठ गए, तो अब आप लोग सही फिजिकली ना स्कूल जा रहे हैं, ना कॉलेज जा रहे हैं, और ना कोचिंग सेंटर जा रहे हैं। तो उनको ये बात अंडरस्टैंड कराई गई कि आपकी जो रोजाना की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सेव हो रही है, क्योंकि अगर आप कोचिंग सेंटर सही जाएं, अगर आप अपने कन्वेंस पे जाएं, या अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएं, तो कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी जो कि आपको बेयर करनी पड़ती है। तो उनको ये समझाया कि अगर आप 20-25 डेज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या कोचिंग सेंटर जाते हैं, तो अगर उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, अगर आप उसको कैलकुलेट करें, तो उसी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आप एक अच्छा इंटरनेट महीने के लिए ले सकते हैं। और जब आपके पास इंटरनेट होगा और स्मार्टफोन होगा, तो फिर आपके पास वो दोनों टूल्स अवेलेबल हो गए हैं जो कि ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग के लिए आपको इस्तेमाल करने होते हैं। सही। तो आप यानी अगर मैं आपकी बात से इस पॉइंट को लूं कि इतना मुश्किल नहीं था, लोगों को समझाना पड़ा लेकिन हो गया मामला, ऐसा ही है? हाँ, मैं हम ये कह सकते हैं, लेकिन उसमें एक और मैं एक बात एड अप करूंगा जो पर्टिकुलरली इंटरमीडिएट में हुआ, वो ये कि इनिशियल स्टेजेस पे बच्चे और पेरेंट्स ने हमें रिस्पांस बहुत कम दिया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि शायद ये 15 दिन, 20 दिन या महीने की स्टोरी है और ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद दोबारा हमारी क्लासेस। कुछ पेरेंट्स और बच्चे फौरी तौर पे हमारे साथ एसोसिएट हो गए, उन्होंने हमें रिस्पॉन्स किया, वो इन ऑनलाइन क्लासेस में हमारे साथ ज्वाइन हुए, लेकिन कुछ जो मैक्सिमम मेजोरिटी थी, उन्होंने हमें इसमें रिस्पॉन्स नहीं दिया, और उन्होंने कहा नहीं सर हमें ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी, या अभी हम वेट करेंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा उमेर, 15 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, 25 दिन गुजरे, और उसके बाद फेडरल एंड सिंध गवर्नमेंट की री अनाउंसमेंट आई कि जी 1 महीना अगला फिर बंद, 1 महीना अगला फिर बंद, तो देन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये चीज रियलाइज होनी शुरू हुई कि वो अपना टाइम जो है वो इस वक्त वेस्ट कर रहे हैं, किल कर रहे हैं घर में बैठ के। तो फिर उन्होंने हमसे, तमाम ऐसे पेरेंट्स और बच्चों ने हमसे रابطہ किया कि सर हमें भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। फिर हमने उनकी भी ट्रेनिंग करी और उनको भी अपनी उन ऑनलाइन क्लासेस में एसोसिएट कर दिया। सही। अच्छा सर, मेरा भी ताल्लुक ऑनलाइन एजुकेशन से रहा है, लेकिन मैं चूंकि नॉन एकेडमिक कोर्सेज करवा रहा था अक्सर, जो कि सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर होते हैं, तो मैं 2017 से जो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ हूँ, तो मैंने उसमें देखा है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी को सीखना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वही लोग जो, बल्कि अभी तो ये बातें भी चली थी कि यूनिवर्सिटीज HEC ने कह दिया कि भाई आप वो ऑनलाइन एजुकेशन की क्वालिटी वो नहीं है तो फिजिकल एजुकेशन के, इसलिए इसको रोक दें, ये सब कुछ। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि लोग जो है ना वो पबजी डाउनलोड करना खुद सीख भी लेते हैं और चला भी लेते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, यानी बच्चा बच्चा ये काम कर लेता है, लेकिन व्हेन इट इट कम्स टू एजुकेशन, तो अब चूंकि पढ़ना नहीं है, अब वो बहाने ढूंढ रहे होते हैं। हालांकि हमने, यानी अगर आपका एक्सपीरियंस लें, क्योंकि आप कंप्यूटर के बंदे नहीं हैं, आप कॉमर्स साइड से हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस 1 महीने में आपने देखा होगा यार, चीज़ें IT की कोई इतनी मुश्किल तो नहीं थी, होगा एक रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि मेरा इसमें ज़ाती एक्सपीरियंस रहा वो IBA के साथ, IBA में डॉक्टर शाह कुरैशी होते हैं, तो वो एक कोर्स करवा रहे हैं, यानी वो एंटरप्रेन्योरशिप पे कोर्स करवाते हैं, कल हमारा उनके साथ लाइव सेशन भी है,
तो उन्होंने ऑनलाइन कोर्स डेवलप करना था, तो कुछ उनकी कंसल्टिंग में मैं भी शामिल था। तो ये साल भर पहले की बात है, लेकिन वो साल से पाइपलाइन में ही था वो कोर्स, क्योंकि वो फिजिकल क्लासेस में बड़े इन्वॉल्व थे। और अब उन्होंने वो कोर्स ऑनलाइन कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि शाहिद साहब कैसा है, वो कह रहे हैं यार अब तो मजबूरी बन गई थी, तो जितनी भी रेजिस्टेंस थी वो सब खत्म हो गई, हमें जूम भी चलाना आ गया, हमें सारी चीजें चेक करना आ गई। तो ये मैं चाहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा क्लियर करें कि यार ये विल का मसला ज्यादा है, टेक्नोलॉजी को इतना बड़ा इशू नहीं है एक सिंपल से इंटरनेट पे, बल्कि हो सकता है कि जो एप्लीकेशंस इन्होंने डाउनलोड की हुई है, जो गेम्स खेल रहे हैं, वो ज्यादा इंटरनेट खर्च करते होंगे, या उनके लिए ज्यादा हैवी मोबाइल फोन चाहिए होंगे, और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए शायद उससे कम। मैं चाहूंगा इस पे थोड़ी सी आप बात करें। देखिए उमेर, इसमें जो आपके क्वेश्चन से जो चीज लिंकअप मैं करना चाहूंगा वो ये है कि हम बींग अ नेशन, हमारा एक प्रॉब्लम रहा है हमेशा से। अगर आप भी उस चीज को एनालाइज करेंगे, हम जो है ना कोई भी चीज चेंज नहीं करना चाहते हैं। आमतौर पे हमारे अंदर एक चीज डेवलप हो गई है, सब में नहीं है लेकिन ओवरऑल जब मैं जेनेरिक बात करूंगा तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, जिसको हम कहते हैं लकीर का फकीर हो जाना। ठीक है, यानी आप जो चीजें चलती आ रही हैं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, जो सिस्टम चलता आ रहा है, बस आप चाहते हैं यार उसी सिस्टम पे काम होता रहे। कोई नई इनोवेशन, कोई नई एडेप्टेबिलिटी, कोई नया चेंज जो है ना, वो चेंज को एक्सेप्ट कर हम करना ही नहीं चाहते हैं। हम उस चेंज को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं कि ये चेंज जो है ये बहुत आसान है और पूरी दुनिया में हो रहा है, और जो है वो इजीली जो है वो लोग इस चेंज को, जब पूरी दुनिया में एप्लीकेबल हो रहा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको दूं, अभी तकरीबन 2 दिन पहले मैंने एक जगह पे ऑनलाइन एजुकेशन पे एक ट्रेनिंग सेशन दिया है, और आप बिलीव करें कि उसमें तकरीबन 20 लोग थे और यंग नहीं थे, यानी हम उसको कह सकते हैं कि इनमें से जो मैक्सिमम मेजोरिटी थी वो 40+ और 45+ थी, और ये वो लोग थे जो बिल्कुल पुराने या बेसिक स्ट्रक्चर पे चलते हैं। वो 2-2.5 घंटे का उमेर हमने सेशन लिया है। आप बिलीव करें कि उस सेशन के बाद उन तमाम लोगों को वो इंटरफेस भी समझ में आ गया था, कैसे काम राइट करना है वो भी समझ में आ गया था, आगे स्टूडेंट्स को कैसे ट्रेन करना है वो भी समझ में आ गया था, पेरेंट्स को किस तरह से कन्विंस करना है वो भी समझ में आ गया था। तो बात फिर आपकी वही आएगी, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब हमारी विल होती है किसी चीज को सीखने की, जैसे आपने मेरा एग्जांपल दिया, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जब 27, मुझे एग्जैक्टली डेट आगे पीछे हो रही है, 27 या 26 फेब को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद हुए थे, और बींग अ हेड ऑफ टू इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, टू डिफरेंट डायनेमिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस पे मैं हेडशिप कर रहा था, तो मैंने उमेर शायद विद इन 3 to 4 days इस पूरे ऑनलाइन मॉड्यूल्स को, और सिर्फ एक मॉड्यूल नहीं, मैंने तकरीबन 3 से 4 डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म को स्टडी किया, उनको सीखा, उस पे मैंने ट्रेनिंग सेशन बनाया, और उसके बाद मैंने अपने कोलीग्स को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को वो ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी, ताकि जितनी जल्दी हम उससे अवेयर होंगे, जितनी जल्दी हम लोगों को समझा सकेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। हम घर पे बैठ के ये सोच रहे हैं कि यार 15 दिन निकाल दो, 20 दिन निकाल दो, 25 दिन निकाल दो, दिस इज नॉट फेयर। जब एक चीज हुई है आप उसको अंडरस्टैंड करें, ये इंटरनेशनल इशू है, हर कोई इस पे काम कर रहा है, तो हम क्यों नहीं काम करें, हमारा टीचर क्यों नहीं काम करे। आप ये बात जानते हैं उमेर कि ऐसे केसेस हमारे पास मौजूद हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने 62 ईयर्स में मास्टर्स किया, 65 ईयर्स में PhD की, ऐसे भी केसेस हैं 70 70 ईयर्स की एज में लोगों ने मास्टर्स किया है, ठीक है ना, सही जब हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह करने का टाइम है। ठीक है, आप उस एज में जब जाके लोग पढ़ सकते हैं और मास्टर्स कर सकते हैं, तो ये एक ऑनलाइन एजुकेशन का मॉड्यूल सीखना या किसी सॉफ्टवेयर को चलाना या वो इंटरफेस कैसे काम करेगा या बच्चों को कैसे समझाना है, इट्स वेरी सिंपल। आपके अंदर विल होगी आप उस चीज को खुद ही सीख लेंगे, आपके पास सही लोग मौजूद हैं, आपके पास दुनिया है इंटरनेट पे, आपको पता है गूगल मौजूद है, हमारे पास यूट्यूब मौजूद है, हमारे पास ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। तो अगर आप, आपके पास कोई ना भी हो, अगर आप खुद हो और आप चाह रहे हो मैं सीखूं तो भी आप सीख सकते हैं। सही जैसे कल अगर आपने सेशन देखा हो तो कल शाह साहब इन्वाइटेड थे, नदीम शाह साहब, तो वो जी ही इज जी नाउ 56 ईयर्स ओल्ड, और वो कह रहे थे कि मुझे शुरू में रेजिस्टेंस थी, वो भी वो कह रहे थे वो रेजिस्टेंस खत्म हुई, मैं पढ़ा रहा हूँ दिन में जैसे मैं पहले पढ़ा रहा था, और वो जूम पे ले रहे हैं क्लासेस और लाइव सेशंस भी कर रहे हैं। अच्छा सर, एक तो ये वाली बात हो गई, अब के लोगों ने विल कैसे डेवलप करनी है। अब मेरा सवाल ये है कि आपके एक्सपीरियंस में, या आप कर चुके कैम्ब्रिज वाली साइड से भी इंफॉर्मेशन है और इंटरमीडिएट साइड से भी, और ओवरऑल ये एक पेंडेमिक जो है, आपको क्या लगता है कि पेंडेमिक तो चले 2 4 6 महीने में
खुल जाएगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या आएगा एजुकेशन पे? क्या अगले सेशन से दोबारा से फिजिकल एजुकेशन जो ऑन साइट क्लासरूम है या ऑन साइट कैंपस है वो दोबारा से वैसे हो पाएंगे या ऑनलाइन कुछ रहेगा बाकी? सर देखिए उमेर, हमारा जो आज का सेशन है उस पे हमने सेशन का नाम दिया था ऑनलाइन एजुकेशन इज हेयर टू स्टे। इस पे मैं अब आपसे बात करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उमेर, जब हमने फरवरी के एंड में जब ये एजुकेशन सेक्टर हमारा बंद हुआ और हमने पूरा ऑनलाइन मॉड्यूल स्टार्ट किया स्कूलों में भी और कोचिंग सेंटर्स में भी, तो शुरू में जो 8 to 10 days थे उसमें आप बिलीव करें टीचर्स को भी प्रॉब्लम हुई, बच्चों को भी प्रॉब्लम हुई और पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम हुई। लेकिन 8 to 10 days जिन लोगों ने कंटिन्यूअसली इस पे काम किया वो इससे फेमिलियर हो गए, बच्चों को भी आसानी होने लगी। और आप बिलीव करें, अभी तकरीबन मैंने 2 हफ्ते पहले एक फीडबैक सेशन लिया था अपने टीचरों से, कोचिंग सेंटर के भी और स्कूल के भी। तो आप बिलीव करें कि सारी जिंदगी आसान हो गई। तो क्यों आसान हो गई, इस टर्म को समझें, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो है पेपरलेस लर्निंग। लर्निंग वही है, सीख हम वही रहे, क्लासेस वही है, टीचर लेक्चर वही दे रहा है, लेकिन क्या है, पेपरलेस। और आप देखें कि अगर हम अपनी फिजिकल एजुकेशन देखें तो हमारे बच्चे कितने भारी भारी बस्ते ले लेके स्कूल में जा रहे होते हैं, किसी की कमर में तकलीफ हो जाती है, किसी की हड्डी का प्रॉब्लम हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा है 1 क्लास के और 2 क्लास के, अगर आप उनके बैग का वेट देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये इतना जो है ना छोटा बच्चा और ये इतना भारी भारी बैग लेके स्कूलों में जाता है। पूरी दुनिया में उमेर पेपरलेस लर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है जो नेक्स्ट डेट है वो है 15th of July। व्हाट आई फील, गलत भी हो सकता हूं मैं हाइपोथेटिकली एक बात आपसे करना चाह रहा हूँ, मे बी पॉसिबल कि ये गलत हो और मैं अल्लाह से उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द चीजें खुल जाएं। लेकिन अगर हम बी प्रैक्टिकल होके सोचें तो मुझे उमेर ऐसा लगता है कि सितंबर या अक्टूबर से पहले हमारा एजुकेशन सेक्टर शायद फिजिकली ना खुल पाए। और अगर हमारा फिजिकली ये सेक्टर ना खुल पाया तो आप अगर कैलकुलेट करें कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और जुलाई तक भी लें तो 5 महीने बनते हैं और उसके आगे ले लें तो 8 महीने बनते हैं। तो 5 और 8 महीने में जब टीचर्स इस पूरे ऑनलाइन स्ट्रक्चर पे काम कर चुके होंगे, वो हम कहेंगे इसको क्या, वो घोल के पी चुके होंगे, बच्चा उससे फेमिलियर हो चुका होगा, पेरेंट्स उससे फेलियर हो चुके होंगे, तो और सबको लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ तो आपको थोड़ा सा और मेरी बात समझ में आएगी। लेट सपोज, देखिए होता ये है कि स्कूलों में बच्चे काम करते हैं और मोटी मोटी कॉपीज जो होती हैं या रजिस्टर जो होते हैं वो टीचरों को दे दिए जाते हैं चेक करने के लिए। अब टीचर वो स्कूल में बैठ के चेक करे या टीचर वो घर पे लेके जाए, उसमें से फिर कोई रजिस्टर आगे पीछे हो जाए या और इश्यूज हैं। यहाँ पे ऑनलाइन मॉड्यूल में क्या है, बच्चा काम करेगा और काम करके वो इंटरनेट पे अपलोड कर देगा। अब टीचर अपने किसी भी कन्वीनियंट टाइम पे वो फाइल खोलेगा और बहुत इजीली वो उस फाइल को क्या कर देगा, सही, अपलोड कर देगा। वो उस फाइल को अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से चेक करेगा और चेक करके उसका फीडबैक बच्चों को वो इजीली दे सकता है। उसके ऊपर कोई टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, असाइनमेंट चेक करने के लिए या कॉपीज चेक करने के लिए या टेस्ट कॉपीज चेक करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें टीचरों को एक बहुत अच्छी विंडो मिल रही है, ठीक है, बच्चों को भी एक बहुत अच्छी विंडो मिल रही है कि उनको स्कूल में ही रजिस्टर सबमिट कराना होता है। अब ये है कि भाई उनको टीचर टाइम दे सकता है कि आप 5 बजे सबमिट कर दें या आप 6 बजे सबमिट कर दें। सही और इसमें जो है वो एक और बात भी है कि ये गवर्नमेंट लेवल पे चीजों को सोचना चाहिए कि एजुकेशनल स्ट्रेटेजी जो है उसको रिवाइज करने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा मौका, देखें होता क्या है कि हर खराब चीज से भी हम चाहें तो हम कोई अच्छी चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो पेंडेमिक आया इसकी वजह से पाकिस्तान में जो ऑनलाइन मॉड्यूल या ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हो रही थी वो अब होनी शुरू हो गई। टीचर जो है वो भी एजुकेट हो गए, बच्चे भी एजुकेट हो गए, पेरेंट भी एजुकेट हो गए। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट लेवल पे वो जब ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो वो आगे आने वाला जो टाइम होगा जब फिजिकल एजुकेशन खुल जाएगी तो उसमें से भी वो एक ये बाइफर्केशन बना दें, डिस्ट्रीब्यूशन बना दें कि एक प्रोपोर्शन जो है वो ऑनलाइन स्टडीज ही का रहे। यानी अगर 50% फिजिकल एजुकेशन हो रही है तो 50% ऑनलाइन हो। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमें चाहिए कि हम अपने ये जो मैंने दोबारा टर्म रिपीट करूंगा भारी बैग और किताबों और पेपर वाली स्ट्रेटेजी है इसको चेंज करें और पेपर लेस स्ट्रेटेजीज पे जाएं तो बेहतर है। सही। अच्छा सर, इसमें मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा क्योंकि जैसे मैंने
जब ऑनलाइन की तरफ चीज़ों को सीखना शुरू किया और पढ़ाना मैंने 2017 में शुरू किया था, ऑनलाइन कोर्सेज डेवलप करना। ये मैं अभी बात कर रहा हूँ जो नॉन एकेडमिक था, क्योंकि उसमें पेपर आप बल्कि एग्जाम भी दे सकते थे मुख्तलिफ फॉरेन यूनिवर्सिटी से। लेकिन मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए, फॉर एग्जाम्पल जो लास्ट ईयर इकनॉमिक्स में जिस शख्स को नोबेल प्राइज़ मिला है उसका नाम है अभिजीत बनर्जी, वो MIT यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है और नोबेल प्राइज़ विनर है। उसका कोर्स MIT की वेबसाइट पे अवेलेबल है एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, आप अगर उस कोर्स को आप अटेंड करके एग्जाम देना चाहते हैं तो वो भी कोई 8-10 हज़ार रुपये डॉलर्स में कन्वर्ट रुपीज़ में कन्वर्ट होकर अमाउंट बनती है और आप वो सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। ये तो बात हो गई एक एकेडमिक सब्जेक्ट की, लेकिन मैंने पर्सनली बहुत सारे कोर्सेज ऐसे किए, जैसे लाइफ कोचिंग का जो पाकिस्तान में एक कोर्स होता था वो 1-1.25 लाख रुपए का था और मुझे पे किसी ने रिकमेंड किया जिन्होंने वही कोर्स किया था। उन्होंने कहा यार यू कैन गो फॉर दैट ऑनलाइन कोर्स, वहाँ तुम्हें 60-70-80% कॉन्टेंट मिल जाएगा। और मैं उस तरफ जब गया वो 2-3 हज़ार रुपये मुझे कॉस्ट पड़ी यूडेमी पे और वो चीज़ मुझे मिल गई। अच्छा, और फिर यानी अगर आप, ये तो मैं बात कर रहा हूँ फुल लेंथ कोर्सेज की या फुल लेंथ एकेडमिक जो है कोई डिग्री आप करना चाहेंगे तो उसके लिए भी ये अपॉर्चुनिटीज है, थोड़ी सी फीस में आप कर सकते हैं और आप दुनिया के मास्टर्स से सीख सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आपको कुछ छोटी मोटी टिप्स देनी है तो फिर तो यूट्यूब भी बहुत सारी चीज़ें यस उसमें जाती हैं। और यू कैन चूज योर टीचर, यानी जो आपको समझ आ रहा है आप उस बंदे को जो है ना वो जाकर सुन सकते हैं, आप चीज़ों को फॉलो अप कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने देखी, जिससे अच्छा हुआ ये था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कोर्स अटेंड किया तो मुझे नज़र आया कि यार मैंने जो तो फिजिकल एजुकेशन में इतने पैसे और टाइम लगाए हैं ये तो उससे रिलेटिवली बहुत बहुत कम कीमत है और इससे मुझे फ़ायदा भी बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिजिकल एजुकेशन में ऐसे कोर्सेज भी किए थे ट्रेनिंग के जो 85,000 रुपीज़ फॉर 3 डेज फॉर 4 डेज, लेकिन जब मैंने इधर देखा इधर तो आप 1,500-2,000 या फ्री या 5-6 हज़ार रुपये में कोई कोर्स इनरोल करते हैं एंड नाउ यू कैन लर्न ऑन योर ओन पेस। आप अपनी स्पीड पे उसको सीख रहे हैं और आपको चीज़ें मिल भी रही हैं और आपके कन्वीनियंस भी है, आपको कहीं जाना भी नहीं है, हर चीज़ आसान है। तो ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि जब एक दफ़ा लोगों को इस तरफ का जो है ना वो लग जाएगा सिलसिला तो उसमें जो है ना मैं समझता हूँ कि फिर उसके बाद जो है ना वो दोबारा से बैक करना मुश्किल होगा। जैसे शाहिद साहब ने कहा था वंस वो ट्रेंड हो गए सब चीज़ें तो फिर वो फिर अच्छा हुआ भी ये था, जब से मैंने ऑनलाइन चीज़ें करना शुरू की थी कुछ कोर्सेज डेवलप किए थे उसके बाद फिर मुझे फिजिकली काम करने में जो है ना वो मैं अपनी ख्वाहिश से तो जाता था कि स्टूडेंट से इंटरेक्शन हो, लेकिन मैं अगर मॉनिटरी बेनिफिट्स भी देखूँ या अपनी सहूलत देखूँ तो वो हमेशा मुझे ऑनलाइन में ज़्यादा रही। जी सर, तो अब मुझे, देखें मैं जी जी आप बोलें। हाँ मैं सर शाह का भी एक कमेंट था, मैंने बोला वो भी ज़रा शेयर कर लें। और जो है ना वो वन मोर थिंग जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि जैसे अभी ये जो बात आ रही है कि एग्जाम्स नहीं ले रहे, तो अगर एग्जाम्स यानी अभी तो सिंध गवर्नमेंट तो इसको रिजिस्ट कर रही है कि वो कुछ और करेगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये एग्जाम नहीं ले रहे तो ठीक है आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स पे आपके एकेडमिक्स पे क्या असर पड़ेगा, या अगर फर्स्ट ईयर में आप हो जाते हो तो क्या सेकेंड ईयर साथ देना पड़ेगा। ये इस पे थोड़ी सी बात कीजिएगा कि जो लोग बिल्कुल ठंडे होकर बैठ गए कि नाउ अब कुछ ये साल तो फ्री में हम प्रमोट हो गए, तो अगर हो गए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सर। देखें इसमें आपके दो तीन क्वेश्चंस आ गए हैं, मैं लास्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा। देखें उमेर, इसमें इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बच्चों को और पेरेंट्स को और अप टू द सम एक्सटेंट टीचर को समझने की जरूरत है वो ये है कि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि पेपर नहीं हो रहे और हम इस पे खुश हों या हम इस पे जश्न मनाए प्रमोट हो रहे हैं। ठीक है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अब सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है, अब मैं ना आपको एक एक करके बताऊंगा। देखें इस वक्त जो हमारा बच्चा जिसने 9 के पेपर देने थे, अगर पेपर नहीं होते हैं और गवर्नमेंट बाद में ये पॉलिसी बनाती है कि जी अब 9th और 10th के पेपर हम कंबाइन करके लेंगे, और इस वक्त उस 9 के बच्चे ने स्टडीज को ब्रेक लगा दिया या उसने पढ़ना छोड़ दिया, तो एक तो उसको कमिंग सेशन जो कि शॉर्ट सेशन होगा क्योंकि चीजें जब खुलेंगी तो टाइम उतना मिलेगा नहीं, तो उसको पूरी 10 की तैयारी करनी होगी, फिर उसको पूरी 9 की तैयारी भी दोबारा करनी होगी और एक साथ दोनों पेपर देने होंगे जिसके उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको बहुत मसले होंगे। तो इसलिए जरूरी यह है कि वो इस वक्त 9 की ऑनलाइन स्टडीज को कंटिन्यू रखे, बहुत अच्छे पेस पे विद डेडिकेशन कंटिन्यू रखे,
और जब उसकी 9 की स्टडीज कंप्लीट हो जाएं मई के महीने में या जून के महीने में, तो जुलाई या अगस्त जब तक भी बंद रहता है वो अपनी 10 की स्टडीज ऑनलाइन स्टार्ट करे। अब हम आते हैं 10 के बच्चों की तरफ। 10 का बच्चा ये सोच रहा है कि यार मैं तो प्रमोट हो जाऊंगा 9 के एवरेज मार्क्स पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तो प्रमोट हो जाऊंगा 9 के एवरेज मार्क्स पे और मुझे उसके बाद जो है वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल जाएगा 9 की बेस पे। तो उसको ये समझने की जरूरत है उमेर के जब वो 11th क्लास में जाएगा, और अगर अभी उसने 10th की पढ़ाई छोड़ दी तो ग्रेड 11 में जब वो जाएगा तो सारे कॉन्सेप्ट 9th और 10th के ग्रेड 11 में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, एडवांस आ जाते हैं, हो ही रहेंगे। तो लाजमी तौर पे उसको 10th के स्टूडेंट को भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। इसी तरह से अगर हम 11th के बच्चे को देखें जो ये समझ रहा है कि मेरा तो पेपर ही नहीं होगा और मैं तो ऐसे 12th में चला जाऊंगा, तो मैं दोबारा आपसे कहूंगा गवर्नमेंट अगर ये बाद में पॉलिसी बना दे, और जो हमारे फेडरल मिनिस्टर है शफकत महमूद, उन्होंने ये बोला भी था कि जो है वो कि जी, जो आवाज आ है रही, आवाज आ वो रही। हम पेपर एक साथ ले लें। तो 11th के बच्चों को यह समझना है कि पेपर अगर ये एक साथ ले लिए गए तो उस वक्त क्या होगा। अगर सही, उसने 11th की पढ़ाई छोड़ दी तो 11th के कॉन्सेप्ट वो भूल चुका होगा, उसके बाद उसको एक साथ 11th 12th के पेपर देने होंगे जो उसको फिर मसला करेगा, ठीक है। तो उसको अपनी 11th की पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है ऑनलाइन, पूरी डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू रखना है, और जब उसका 11th का सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसको जब तक बंद रहता है अपनी 12th की ऑनलाइन स्टडीज को कंटिन्यू रखना है। अब हम बात कर लेते हैं जरा ग्रेड 12th के स्टूडेंट्स पे, इनका सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सोच रहे हैं कि जी हमारे तो पेपर होंगे ही नहीं और हमें 11th की बेस पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा बड़े मजे से। इनको ये समझना है उमेर कि जब ये यूनिवर्सिटी में जाएंगे और अगर ग्रेड 12th के सिलेबस इनके कंप्लीट नहीं हुए होंगे और अगर इन्होंने पूरी तैयारी नहीं की भी होगी तो यूनिवर्सिटीज के सेमेस्टर्स में इनको प्रॉब्लम होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इनको समझनी है कि जब ये एप्टीट्यूड टेस्ट देने जाएंगे किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए तो उसमें भी ग्रेड 12th के कॉन्सेप्ट टेस्ट होंगे, तो इनको भी अपनी तैयारी को जो है अपनी ऑनलाइन स्टडीज को लाजमी तौर पर कंटिन्यू रखना है। सही। अच्छा सर, मुझे इससे रिलेटेड एक और सवाल है, लेकिन आमिर भाई हमारे साथ हैं तो मैं चाहूँगा आमिर भाई के हम सवालों को एड्रेस कर लेते हैं थोड़ा। आमिर जी भाई का एक सवाल है कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में अभी भी जो है ना वो डॉज है, इसी तरीके से एक सवाल है रिसर्च। अच्छा आमिर भाई, मुझे जो लग रहा है आपके जो सवालात हैं वो बोर्ड से रिलेटेड हैं या सिस्टम से रिलेटेड हैं। अच्छा, हम यहाँ जो हम चूंकि दोनों ना गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, हम दोनों ही टीचर्स हैं, सर जुनेद भी, और या प्राइवेटली इदारों को ओन कर रहे हैं, तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अब वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट को चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन जैसे कल सर शाह साहब से भी बात हो रही थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि ठीक, हम इस बात को मानते हैं कि हम अभी भी डॉज पढ़ा रहे हैं और बच्चों को एप्लीकेशन सीखनी चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम उसको छोड़ तो नहीं सकते। तो हम, मेरे ख्याल में बच्चों को या हम सबको ये करना चाहिए कि जो कोर्स है हमारा जैसा भी, वो तो हमने कंप्लीट करवाना ही है बच्चों को, लेकिन उसके साथ अपग्रेडेशन हम कर सकते हैं, बच्चे उसके साथ साइड लाइन में नई चीज़ें ज़रूर सीखें ताकि वो अपनी स्किल को डेवलप करें। सर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपकी बात को सेकंड करूंगा उमेर के, देखें ये तो गवर्नमेंट लेवल की बात है लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि बीइंग अ टीचर या अगर हम किसी इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट में हैं तो हमें ये देखना है कि हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं। देखें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना कि भी गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी प्लान नहीं कर रही, गवर्नमेंट चीजों को रिवाइज नहीं कर रही, गवर्नमेंट पुराने सिलेबस चला रही है, 1970 की बुक्स है हमारे पास, वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बीइंग अ टीचर, हम अपनी जिम्मेदारी क्या पूरी कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट वो चीज नहीं भी इंप्लीमेंट कर रही है तो हम अपने तौर पे बच्चों को वो थोड़ा थोड़ा टाइम दे के उन चीजों से, उन प्रैक्टिकल वर्क से, उन रिसर्च सब्जेक्ट से थोड़ी थोड़ी चीजों को बच्चों को वो नो हाउ दे सकते हैं ताकि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो उनके लिए आसान हो। तो हमें ओनरशिप लेनी पड़ेगी, और मैं ये समझता हूँ उमेर कि अगर हम सब ये ओनरशिप लेना शुरू कर दें और हम ये काम अपने तौर पे करना शुरू कर दे तो हो सकता है गवर्नमेंट जब ये चीज देखे तो उनको भी ये चीज अच्छी लगे और वो फिर जो है वो लार्ज स्केल पे इस चीज को इंप्लीमेंट कर दें। सही। और सर मतलब इसमें सबसे बड़ी मिसाल है हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे लम्स है ना, अब नाउ लम्स की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो वो एचईसी को बिल्कुल टक्कर देते हैं, और एचईसी या वो चल रहे, वो कहते हैं चलो तुम्हारी भी मान लेते हैं, लेकिन हमने तो अपने बच्चे को ऐसे डेवलप करना है, तो वो तो केस स्टडी करवाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इंस्टीट्यूशंस को आगे आना पड़ेगा, और वो अपने बच्चों की सिर्फ यानी कोर्स तो वो कंप्लीट करवा ही रहे हैं, लेकिन वो साथ में कॉम्पिटेंस को डेवलप करने के लिए एड ऑन इंस्टीट्यूट्स को कुछ करना होगा या स्टूडेंट्स को पर्सनली करना होगा। अच्छा सर,
अब हम आते हैं उस अपने टॉपिक की तरफ दोबारा। जैसे मिस आयशा का भी एक सवाल है कि जो जी जी है ऑनलाइन एजुकेशन, अगेन मेरे ख्याल ये सवाल उसी तरफ जा रहा है कि ओवरऑल सिस्टम इसको अडेप्ट करने के लिए तैयार है, नहीं तो वो उस पर हमारी आई थिंक बात हो चुकी है कि अडेप्ट जो करना चाहे वो बहुत आराम से इसको कर सकता है। अच्छा, जो मैं अगला सवाल रखना चाह रहा था वो ये कि खास तौर पे जो बिहेवियर अभी बच्चों का आया है कि यार पेपर तो नहीं हो रहे तो आप फारिग बैठ जाओ, तो यानी क्या सिर्फ एग्जाम इम्पोर्टेंस रखता है या वो कॉम्पिटेंस इम्पोर्टेंस रखती है? क्योंकि अगर ये एग्जाम सही नहीं होता और आप प्रोमोट हो जाते हैं और आपने उस बहाने हर 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 बुक के या हर कोर्स के चार चार छः छः चैप्टर भी छोड़ दिए और आप निकल गए आगे नाउ। अब मैं पूछता हूँ आपसे सर, क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी बड़ा प्रोफेशनल सब्जेक्ट है ना, अकाउंटिंग फॉर एग्जाम्पल, मैंने अकाउंटिंग के 10 टॉपिक्स में से 7 टॉपिक पढ़े थे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे प्रोमोट कर दिया एंड नाउ आई एम ऑन अ जॉब, तो क्या वो 3 टॉपिक ना पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये बताए ना लोगों को जरा कि उमेर, ये फर्क तो बिल्कुल जी पड़ेगा। देखें जी सर देखिए उमेर, फर्क तो लाजमी पड़ेगा उसकी। देखें वजह दो बातें, मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए पहली बात तो ये उमेर कि हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ किसी भी वजह से सिस्टम ऐसा डेवलप हो गया है कि बच्चे जो हैं वो मैक्सिमम हो तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है हमारे यहाँ वो पढ़ती है पेपर देने के लिए, वो सीखने के लिए नहीं पढ़ रही। सही ठीक है ना, बेसिकली हमें इस चीज को चेंज करना पड़ेगा, हमें ये बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, हमें बच्चों को एजुकेट करने की जरूरत है, हमें पेरेंट्स को एजुकेट करने की जरूरत है कि सही आप बच्चों को पेपर देने के लिए ना पढ़ाएं, सीखने के लिए पढ़ाएं। क्योंकि देखें उमेर, आपकी आपका सवाल ये है कि अकाउंटिंग के 10 टॉपिक हैं, किसी ने 7 पढ़े, अब वो प्रमोट हो गया, अब मुझे आप बताएं कि 3 टॉपिक्स उसने नहीं पढ़े। अब जब कभी वो प्रोफेशनल लाइफ में आएगा और उसके बाद वो ऑन जॉब आएगा, और आपको भी पता है जॉब मार्केट में क्या होता है कि डिग्री आपकी इतनी मैटर नहीं करती जितना आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या आपको काम कितना बिल्कुल आता है वो मैटर करता है। वो आपको कहेगा जी फलाने टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा या फला टॉपिक की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आपसे पूछेगा, वो आपको आती नहीं होगी। और तो क्या आप उसको उस वक्त ये जवाब देंगे कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो गवर्नमेंट ने प्रमोट कर दिया था तो मैं 3 टॉपिक छोड़ दिए थे और मैंने पढ़े नहीं? सही ठीक। अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ हम पढ़ रहे हैं लेकिन उसका रीजन नहीं पता। मैं अक्सर क्लासेस में बच्चों से ना पहला सवाल ये रखता हूँ कि भाई आपने अगर कॉमर्स ली है तो क्यों ली? तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि यार क्योंकि साइंस नहीं पढ़ी जा रही थी। अच्छा, उनके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं होता, कुछ कहते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया किसी ने। अच्छा, जब वो जब उनका रीजन ही स्ट्रांग नहीं होता तो फिर जो है ना वो मेरा ख्याल है कि फिर वो पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे। अच्छा, फिर जब उनको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो या बहुत सारी चीजें दो और तो उनको लगता है यार सर तो पेपर का सवाल नहीं बता रहे। तो हमारे एक उस्ताद हैं सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब, ERDC को जो ओन करते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर आपने बच्चों से अच्छा फीडबैक लेना है ना और आप चाहते हैं आज की क्लास में बच्चे जो है ना वो इंटरेस्ट लें, तो आप जाते ही बोर्ड पे लिखते हैं, पहले ही अनाउंसमेंट करते हैं, मैं जो आज पढ़ाऊंगा वो पेपर में हर साल आता है। तो आप देखें पूरा जो पूरा यानी आप फिर कुछ भी बोलें बच्चा सुनेगा, और कह रहे हैं जिस दिन आपने अपना फीडबैक खराब करवाना आप जाके बोल दें आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये पेपर में कभी कभार आता है। तो अच्छा, मुझे बड़े इश्यूज भी आए थे जब मैं बहुत प्रैक्टिकल साइड यूनिवर्सिटी की या प्रैक्टिकल, क्योंकि मेरा बिजनेस कंसल्टिंग का काम किया, तो जब मैं कंसल्टिंग की एग्जाम्पल्स रख रहा होता था तो कुछ बच्चों के चेहरे पे साफ नजर आ रहा होता था कि भाई आप जो है ना वो हमें सवाल बताते हैं यार जो पेपर में आएगा, वी डोंट नीड दैट एग्जाम्पल, हमें नहीं सीखना बिजनेस, हमें नहीं सीखना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ये था। अच्छा सर, एक दो सवाल और आए, वकास जी भाई का सवाल आया कि ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करें और अगर हम कंडक्ट कर लेते हैं तो देन उसके फीडबैक का क्राइटेरिया क्या रखें या क्या होगा? और एक अच्छा सवाल और देख के जी जी साथ जी जी इसका आप ले लें, आप ले लें। है सर, प्रिपरेशन के पेपर्स, ये किसी स्टूडेंट का, क्योंकि MCQs वाले पेपर्स का भी हो रहा है, तो ये मेरे ख्याल इसका टू द पॉइंट आंसर होगा, फिर वकास भाई का आप दे दीजिएगा आंसर डिटेल। जी सर सर प्रिपरेशन पेपर किस तरह से पैटर्न फॉलो का? देखें इसमें उमेर जो ये एच खान क्वेश्चन कर रहे हैं या कर रही हैं, तो उसमें ये है कि अभी गवर्नमेंट ने हमें ये क्लियर नहीं किया है। ठीक है ना, उन्होंने अभी एक स्टैंडिंग कमेटी का जो इजलास हुआ इसमें उन्होंने प्रपोज किया है कि हम जी पेपर इस तरह से ले लेंगे। अब पेपर लेने के लिए लाजमी तौर पर कोई स्ट्रक्चर वो हमें देंगे, टीचर्स को, सही इंस्टीट्यूशंस को कोई स्ट्रक्चर वो देंगे कि भाई अगर आप एमसीक्यूज बेस ले रहे हैं तो कितने एमसीक्यूज होंगे, पूरे सिलेबस से पेपर बनेगा, कितने चैप्टर्स कवर होंगे, ये पूरी एक स्कीम बोर्ड को देनी पड़ेगी। और जब सही ये स्कीम बोर्ड हमें देगा
तो उस स्कीम के बाद फौरी तौर पे हम अपने रिसर्च डिपार्टमेंट को इस पे लगाएंगे और हम रीडिजाइन कराएंगे तमाम प्रिपरेशन पेपर को आदम जी कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म से। नुमान अहमद साहब जो है वो हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट के चेयरमैन है, वो लाजमी तौर पे इस पे वर्क करेंगे और इसको फौरी तौर पे मैकेनिज्म बना के और नया प्रिपरेशन पेपर डेवलप करा के हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम उसको इंटरनेट पे देंगे बच्चों को, ताकि हर कोई जो है वो उससे फायदा ले सके। सही। ये एक और सवाल था 8 क्लास, इसका भी मेरे ख्याल टू द पॉइंट आंसर होगा, फिर वकास भाई के सवाल की तरफ चलते हैं। इस्लामिक क्लासेस 8 एग्जाम विल हैपन ऑनलाइन। देखें क्लासेस, क्लास 8 का एग्जाम मुझे नहीं लगता, देखें उमेर मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेड 8 तक जो है वो स्टूडेंट प्रमोट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ जो बोर्ड का एग्जाम होता है वो 9th ग्रेड से होता है। तो सही जो हाइपोथेटिकली जो मुझे लग रहा है या जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, तो मुझे नहीं लग रहा कि ग्रेड 8 का पेपर होगा, वो बच्चे सही। प्रमोट हो जाएंगे। और मुझे भी ग्रेड यानी स्कूल के लिहाज से ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे भी रिलेटिव्स के बच्चे, बहन भाइयों के स्टूडेंट्स बच्चे तो जा रहे हैं, तो व्हाट आई फाइंड के वो ऑलरेडी पूरे साल ही उनके मुख्तलिफ टेस्ट और एक्टिविटीज हो रही होती हैं, और अभी भी स्कूल्स ने उनको वर्कशीट वगैरह में, यानी उनका तो जस्टिफाइड है, अगर वो प्रमोट हो भी जाते हैं तो वो 80-90% एफर्ट वो करके निकल चुका है, 3 घंटे का पेपर रहता है खाली। लेकिन बोर्ड के बच्चे में तो पता ही नहीं चलता ना कि उसने पूरे 10 महीने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बिकॉज द ओनली थिंग इज टू जज इज द 3 आवर पेपर। ठीक है सर, वकास भाई के सवाल की तरफ। अच्छा उमेर, वकास के क्वेश्चन से पहले मैं इसमें दोबारा एक चीज ऐड कर दूं, ग्रेड 8 के लिए जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि ग्रेड 8 में हो सकता है कि मुख्तलिफ स्कूल जो है अभी जब जून से वो स्टार्ट करेंगे तो वो असाइनमेंट बेस्ड टेस्टिंग कर लें ग्रेड 8 के लिए। मुझे लगता है एक तो पूरे साल की जो परफॉर्मेंस है, आपको पता है मुख्तलिफ स्कूल ने मुख्तलिफ टेस्ट लिए हुए हैं, जैसे बाई मंथली होते हैं या मिड टर्म एग्जाम होते हैं या मॉक एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, ये तमाम डेटा भी स्कूलों के पास मौजूद है। और उसके बाद वो हो सकता है जून में और जुलाई में बच्चों को असाइनमेंट बेस्ड टेस्टिंग भी कर लें और उसके नंबर ऐड करके एक एवरेज, तमाम पूरे साल का एक एवरेज बना के उस बच्चे को फिर उसी हिसाब से ग्रेड देके वो प्रमोट कर दें। अच्छा वकास का क्वेश्चन लीजिएगा आप पहले, ऑनलाइन एग्जाम्स कैसे कंडक्ट करें। अच्छा देखें उमेर, ये जो इन्होंने क्वेश्चन किया है ऑनलाइन एग्जाम कैसे कंडक्ट करें, जो आपसे मेरी बात हुई है, जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो हमने इसी पे रखा है कि जो है ऑनलाइन मॉड्यूल काम कैसे करता है, क्लासेस कैसे कंडक्ट होती हैं, असाइनमेंट दिए और लिए कैसे जाते हैं, और उसके बाद उस ऑनलाइन मॉड्यूल पे एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से वो एक डिटेल प्रोग्राम होगा जो विदिन 2 to 3 days इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वहां पे फिर ये कवर हो जाएगा कि ऑनलाइन एग्जाम हमने लेना कैसे है बेसिकली। अच्छा हमजा अहमद का क्वेश्चन आया, इट इज राइट टू प्रमोट द स्टूडेंट विदाउट एग्जाम। नो, मैं इसके हक में कभी भी नहीं हूं कि बगैर एग्जाम आप स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दें, लेकिन देखें हमें समझना ये चाहिए कि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन भी होते हैं दुनिया में। हमेशा आप इस बात को याद रखें कि व्हेन देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ऑर्डिनरी डिसीजन नहीं ले जाते हैं, वो डिसीजन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होते हैं और वो नॉर्मल से हटके ही होते हैं। ठीक है कि ये बात मुनासिब नहीं है कि जी आप विदाउट एग्जाम पेपर ले लें तो वो बच्चे जिन्होंने ज्यादा मेहनत करी है उनका क्या होगा, वो बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा पूरे साल उनका क्या होगा, ये बात मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन इसका गवर्नमेंट यकीनी तौर पे जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात बोली है कि हमने ये जरूर अनाउंस कर दिया है कि हम बच्चों को प्रमोट करेंगे, लेकिन उस प्रमोशन का मैकेनिज्म एग्जैक्टली उन्होंने अभी बताया नहीं है। उन्होंने एक आइडिया दिया है कि हम पास्ट जो है पेपर्स जो जो उन्होंने पेपर दिए हैं ऑलरेडी उसकी बेसिस पे प्रमोट कर देंगे या क्या होगा, लेकिन यकीनी तौर पे मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पे तमाम स्टेक होल्डर्स बैठेंगे और उस पे कोई बहुत जबरदस्त किस्म का और एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा और उस स्ट्रक्चर की बेस पे जो है उसके बाद फिर बच्चे प्रमोट होंगे। सही। ठीक है सर, मेरे ख्याल है कि इनके जो हजरात के सवालात थे उन पे हमारी अच्छी खासी बात हो गई। मैं क्योंकि हमारा टॉपिक ही वही है कि ऑनलाइन एजुकेशन अब रुकेगी, ठीक है ना, या चूंकि लोग यूज टू हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो फिजिकल क्लासरूम सिस्टम वापस वैसे बैकअप नहीं करेगा, कर तो लेगा लेकिन बिल्कुल वैसे वो बैकअप नहीं करेगा। अच्छा, अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि हाउ की तरफ अगर हम जाएं, कि जो लोग अभी भी इस तरफ नहीं आए तो वो किस तरीके से इसको समझ सकते हैं, क्या फ्री डेमोज अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर्स के, या कोई इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो फ्री में कुछ दिन कहते हैं हाँ भाई आप लेके देख लें क्लास, क्या आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ये चीज़ मैं पूछना चाहूँगा।
देखें उमेर, इस वक्त समझने वाली बात यह है कि हम सब में हम तमाम लोगों में वो लोग जो इस ऑनलाइन एजुकेशन के तमाम मॉड्यूल्स को समझ चुके हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है और मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों को एजुकेट करें और उन लोगों को समझाएं जो अभी तक इस चीज को समझ नहीं सके। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने जो जो भी मेरे जानने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के मेरे दोस्त हैं, उन सबको मैंने ये ओपन ऑफर की भी है कि उनको इस ऑनलाइन मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ चीज समझनी हो, ये कैसे काम करता है, ये इंटरेक्शन क्या जो जो ये इंटरेक्शन कैसे डेवलप होता है, रियल टाइम में हम ऑनलाइन कैसे क्लासेस ले सकते हैं, हमें अगर अपने बच्चे को लेक्चर दिखाना हो तो हम कैसे दिखा सकते हैं, हमें अगर असाइनमेंट पोस्ट करने हो तो हम कैसे कर सकते हैं। मैंने इन तमाम चीजों पे लोगों को कहा है कि वो मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उन सबको इस पे एजुकेट करूं। और मैं अभी आप इस प्लेटफॉर्म पे जिसमें हम बात कर रहे हैं, इससे भी ये बोलना चाहता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट, कोई पेरेंट, कोई टीचर किसी भी इदारे से ताल्लुक रखता हो, वो मुझसे रब्ता करे, अगर उसको कोई चीज सीखनी है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको चीजें सिखाऊंगा। ठीक। अच्छा सर, वो रابطे के लिए लोग अगर आपसे रابطہ करना चाहें तो फोन नंबर इज बेटर, और वो आपकी फेसबुक अकाउंट या कोई लिंक अगर आप शेयर करना चाहें। नहीं, आप जो है उमेर मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिएगा, तो क्योंकि मैं ज्यादा व्हाट्सएप पे ही अवेलेबल होता हूँ। बताइएगा 0333 0333-234 234 8145 8145 यही है। जी, बिल्कुल। ठीक है सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमें, क्योंकि हमें इस सेशन के लिए ऐसा बंदा रिक्वायर्ड था जो इस प्रोसेस से गुजर चुका हो। तो आप अच्छा, आप किन किन प्लेटफॉर्म से गुजरे ये जरा बताएं। मैं चाहूंगा बस एक क्लोजिंग में हम प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस कर लें कि प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। देखें उमेर, जितनी रिसर्च मैंने करी इस पूरे टाइम में और बहुत सारे मॉड्यूल्स को मैंने देखा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को मैंने स्टडी किया, और उसमें से मैंने दो प्लेटफॉर्म शॉर्टलिस्ट किए जिसको मैंने खुद भी सीखा और उसी पे फिर मैंने जो है वो आगे चीजें स्ट्रक्चर डेवलप किया और उसी पे हम पढ़ा भी रहे हैं। उसमें से एक जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जो कि प्योरली माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, और उस दूसरा है गूगल क्लासरूम, जो प्योरली गूगल वालों का है। और आपको पता है ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटर हैं और ये दोनों वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी कंपनीज इन द वर्ल्ड है, आईटी सर्विस प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड, दुनिया के बड़े तरीन। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे भी हम काम कर सकते हैं, इस पे भी पूरा एजुकेशन का ऑनलाइन मॉड्यूल है बहुत जबरदस्त किस्म का, और गूगल क्लासरूम के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, इस पे भी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत कुछ मौजूद है। सही, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और गूगल क्लासरूम आप रिकमेंड कर रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल और यस, आया दानियाल का। सवाल ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स ने पूरे साल बड़े ये हार्डवर्क किया है, बहुत एफर्ट लगाई है, तो नाउ दे वांट देयर द रिजल्ट फॉर देयर एफर्ट्स। तो इस पे आप क्या कहते हैं, अगर ये एग्जाम नहीं होते या। जी सर, देखें उमेर, मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर अगर हम तमाम लोग, वो जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद जो मीडिया टॉक थी, उसको एक दफा दोबारा देखें और थोड़ा सा समझ के, तो वो इस चीज को, इन सारे क्वेश्चंस की उन्होंने जवाब दिए हैं। मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखें, उनसे ये क्वेश्चन किया गया था कि वो बच्चा जिसने बहुत मेहनत की है पूरे साल ग्रेड 10 में, और ग्रेड 9 में उस बच्चे के लेट सपोज दैट 70% मार्क्स हैं, लेकिन उसने ग्रेड 10 में इतनी मेहनत की है कि वो 91% ग्रेड 10 में स्कोर कर सकता है, तो अगर उसको ग्रेड 9 के एवरेज पे रिजल्ट दे दिया जाएगा तो बड़ी ज्यादती होगी। तो इस पे उन्होंने कहा कि जब हम रिजल्ट दे देंगे और उसके बाद जब फिजिकली चीजें खुलेंगी, तो वो तमाम बच्चे जिनको ये लगता है कि हमारा रिजल्ट और बेहतर आ सकता था, वो हमें एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एक फॉर्म जमा कराएंगे, हम उनको पेपर देने का मौका देंगे इम्प्रूवमेंट का, कि वो अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं जो ग्रेड गवर्नमेंट उनको देगी। सही, ठीक। सर देखते हैं कोई और सवाल अगर आता है। वैसे यस, मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने वक्त निकाला। मैं चाहूंगा कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर आप कोई और बात ऐड करना चाहें। देखिए इसमें यह है उमेर के ये जो दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का या गूगल क्लासरूम का, मैं रिकमेंड ये करूंगा तमाम लोगों को जो कि ऑनलाइन मॉड्यूल पे काम करना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, कि दोनों को एक साथ ना सीखें, थोड़े परेशान हो जाएंगे, किसी एक मॉड्यूल को पिक कर लें, इधर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और गूगल क्लासरूम। अच्छा, जो इंटरफेस इन दोनों में से ज्यादा यूजर फ्रेंडली है वो है गूगल क्लासरूम। गूगल सही, क्लासरूम इज मोर यूजर फ्रेंडली देन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में ऑप्शन ज्यादा जरूर हैं,
लेकिन उसका इंटरफेस थोड़ा सा मुश्किल है। गूगल क्लासरूम का इंटरफेस यूजर फ्रेंडली बहुत है। जस्ट लाइक मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा, हम एंड्रॉयड और एप्पल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम कहते हैं कि एप्पल एंड्रॉयड का जो इंटरफेस है वो थोड़ा आसान है समझने के लिए। तो मैं कहूंगा कि आप, और गूगल क्लासरूम पे भी सारी चीजें मौजूद हैं, उसमें आप ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करा सकते हैं, उसमें आप असाइनमेंट पोस्ट कर सकते हैं, बच्चा असाइनमेंट डाउनलोड करके सॉल्व कर सकता है, बच्चा असाइनमेंट रीपोस्ट कर सकता है, बच्चे को आप असाइनमेंट पे ग्रेड दे सकते हैं, आप टेस्ट अपलोड कर सकते हैं, बच्चा टेस्ट सॉल्व करके अपलोड करेगा, आप उसको टेस्ट पे नंबर दे सकते हैं, आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शन मौजूद हैं गूगल क्लासरूम में। इस पे अगर आप चाहेंगे तो मेरे साथ आप एक सेशन रख लीजिएगा, जी तो मैं जी ट्रेनिंग सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में एक ट्रेनिंग सेशन दे दूंगा गूगल क्लासरूम पे, तो जो लोग लेना चाहें वो उसको ले लें ताकि उनको आसानी हो जाए समझने के लिए। ठीक है सर। और अभी अगर कोई टीचर या कोई स्टूडेंट डेमो क्लासेस के लिए, टीचर तो ये सीखने के लिए कि कैसे क्लासेस कंडक्ट करनी है, और अगर कोई स्टूडेंट हो और इत्तेफाक से आपके सेंटर में भी वो क्लासेस चल रही हो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर कॉमर्स का कोई स्टूडेंट है, तो वो इस फ्री डेमो के लिए फिर आपके इस नंबर पर रब्ता कर सकता है, ऐसा ही? देखिए इसमें, हाँ मैं बता देता हूँ, इसमें आपका क्वेश्चन ये है कि सर अगर कुछ स्टूडेंट ये चाहें कि भाई हम ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं कि हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा, तो हम पहले चेक करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं ये इंटरफेस कैसे काम करता है, तो कोई मसला नहीं है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो है इस नंबर पर मुझसे रब्ता करें, हमारी सारी क्लासेस चल रही हैं तमाम ग्रुप्स की, हमारे पास ग्रेड 9 की ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, 10 की भी चल रही हैं, फर्स्ट ईयर साइंस, फर्स्ट ईयर कॉमर्स, सेकेंड ईयर साइंस, सेकेंड ईयर कॉमर्स, और उसके बाद अभी हम बीकॉम और एप्टीट्यूड की ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट मुझसे रब्ता करें, इनशाला हम उनको फैसिलिटेट करेंगे और हम उनको उन क्लासेस में एक या दो जो भी क्लासेस हैं वो लेने का मौका देंगे ताकि वो उस इंटरफेस को देखें तो उनको आइडिया होगा कि ये कितना आसान है ऑनलाइन क्लासेस को लेना और इसमें सीखना। सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये एक और अपॉर्चुनिटी ऑडियंस के लिए, ऑडियंस के सामने रखी। मैं एक बार फिर और अब फाइनली आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने बहुत प्रिसाइसली लोगों के सवालों को भी लिया, और जो जो चीज़ें हम या मैं भी चाह रहा था कि लोगों के सामने जाए ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर, उनको बहुत प्रिसाइसली जवाब दिया। इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्दी बहुत सारे सेशंस जो है ना वो हम प्लान आउट करेंगे, ताकि हम जो है ना वो ये इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन तक दे सके। आप कोई क्लोजिंग पॉइंट स्टूडेंट्स को खास तौर पे जो देना चाहें तो वो जरूर। बस उमेर, मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये कहूंगा कि अपनी स्टडीज को किसी हाल में स्टॉप नहीं करें, पेपर होंगे या पेपर नहीं होंगे डजंट मेक एनी डिफरेंस, आपने सीखना है बेटा, आप लोग सीखने के लिए आए हो तो यू हैव टू लर्न, तो आप इन चीजों को कंटिन्यू रखें। टीचर्स अपने तमाम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, इदारे अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि बेटा ये टाइम जो है ना खेलने कूदने का, पबजी खेलने का या सोने का टाइम नहीं है, ये टाइम कैपिटलाइज करने का है। और मैं ये भी कहूंगा स्टूडेंट से कि ये उनके पास उनकी लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उनको इतना एम्पल ऑफ टाइम मिल रहा है तो वो अपनी एकेडमिक्स तो सीखे ही सीखें, यानी अगर बच्चा फर्स्ट ईयर में है तो वो फर्स्ट ईयर तो कर ही रहा है, फर्स्ट ईयर की तो वो क्लासेस ले, लेकिन उसके पास इतना टाइम है कि वो इस टाइम में और कोई दूसरी भी चीज ऑनलाइन लर्न करे, लाइक वो आइल्स की लर्निंग कर ले, लाइक वो कोई ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म की कोई लर्निंग कर ले, लाइक वो फेसबुक मार्केटिंग की कोई लर्निंग कर ले, कोई भी चीज वो सीखे जरूर, ये टाइम है सीखने का। जिंदगी में ऐसे बहुत कम मौके मिलते हैं जहां पे हमारे पास इतना टाइम अवेलेबल होता है। आज से 4-5 महीने बाद आपको अफसोस होगा कि ये जो 4-5 महीने हमें मिले थे इसमें हम क्या कुछ नहीं कर सकते थे और हमने नहीं किया और हमने इसको वेस्ट कर दिया। तो लोगों को और बच्चों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, टीचर्स को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, टीचर्स को चाहिए कि वो मुख्तलिफ किस्म के ट्रेनिंग कोर्सेज इस टाइम में सीखें, ये टाइम है अपने आप को अपग्रेड करने का, ये टाइम है अपने आप को ट्रेन करने का, ये टाइम है चीजों को एडेप्टेबिलिटी सीखने का, ये टाइम है दुनिया के साथ कंपीट करने का। सही, जजाकल्ला सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी बहुत सारे सेशंस होंगे जिसमें हम हाउ पे ज्यादा बात करेंगे कि ये जो हमने आज बात की कि ऑनलाइन एजुकेशन इज हेयर टू स्टे, तो वो कैसे पॉसिबल होगा। अगेन सर जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर एंड लाफ।